हुआ है कि मतलब कि कल झंझट हुआ था, झंझट चाकू से लड़ाई किए थे स्टूडेंट लोग, अभी तो नहीं बताएंगे। और कहीं ना कहीं तक जो भी छात्र हैं, सभी छात्र 6 या 7 क्लास के, बता दें कि बहुत सारे छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और दो गुट बनाते हैं, और दो गुट बनाने के बाद जो छात्र होते हैं लगभग उनका एज होता है 10 से 12 साल, 10 से 12 साल छात्र का एज होता है, और आपस में भिड़ जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई करते करते इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि वे दोनों लोग, सभी जो जितने भी गुटबाजी जो छात्र थे, आपस में चाकू निकाल कर लड़ाई करने लगते हैं, और चाकू से आप सबको बता दें कि एक दूसरे को घायल भी कर देते हैं। कहीं ना कहीं तक बच्चों में संस्कार और नैतिक शिक्षा की कमी रह गई है, तो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आप सबको बता दें कि कल के जो घटना है निंदनीय है, और छात्र आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं इस स्कूल में और चाकू से पिटवा कर। वो अभी अबोध बालक है और उन लोगों को इस सब का ज्ञान नहीं है, और उन लोगों को यही है कि उन लोग का क्या पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। शिक्षक अपने रूम से कॉपी लेकर के और यहाँ आए रखने के लिए, और उसी बीच में कोई उधर से आया, वहाँ छेदवाली है उधर साइड में, उस छेदवाली से फान के आया, दीवार फान कर आया, अब बच्चा को मार गया, वहीं से भाग गया। सुनिए, एक दूसरे को घायल भी किए हैं ना? बस देखे नहीं, बस सुनिए, घायल किए हैं ना एक दूसरे को? अब क्या पता, देखे नहीं है, नहीं देखे हैं। जानकारी तो होगा ना कुछ आप लोगों को? जानकारी कुछ नहीं है, जब आए जब पता चला कि अगला ये बस बच्चे लोग लड़ाई हुए आपस में, उसी के बारे में कुछ बात करनी है। ऐसा चीज बात करना है कि मतलब समाज में पॉजिटिव विचारधारा उत्पन्न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज, और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय पीरो बालक भोजपुर, और आप सबको एक बहुत ही बड़ी घटना यहाँ पर बता देना चाहते हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि यहाँ पर केवल बालक ही आते हैं, जो कि बालक आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय है, और इसके बगल में कस्तूरबा भी विद्यालय है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और आप सबको बता दें कि बहुत सारे छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और दो गुट बनाते हैं, और दो गुट बनाने के बाद जो छात्र होते हैं लगभग उनका एज होता है 10 से 12 साल, 10 से 12 साल छात्र का एज होता है, और आपस में भिड़ जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई करते करते इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि वे दोनों लोग, सभी जो जितने भी गुटबाजी जो छात्र थे, आपस में चाकू निकाल कर लड़ाई करने लगते हैं, और चाकू से आप सबको बता दें कि एक दूसरे को घायल भी कर देते हैं। मामला प्रशासन के पास भी पहुँचता है, आइए हम जानकारी भी लेंगे। बहुत सारे यहाँ पर दुकानदार लोग भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे, और जो स्कूल के अंदर भी हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या मामला हुआ था कल। तो यहाँ पर जो दुकानदार लोग हैं इनसे हम जानेंगे। आप यहीं के हैं? यहीं के नहीं है, कल हम नहीं थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र ठाकुर। क्या हुआ था कल? कल हम नहीं थे, मगर आए तो सुने कि झगड़ा हुआ है। बस मतलब क्या झगड़ा हुआ है, कुछ जानकारी होगा ना? बच्चों लोग में झगड़ा हुआ था। क्या कैसे किया था झगड़ा लोग? ये मालूम नहीं है कैसे झगड़ा हुआ था। अभी यहीं के है ना? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोलू। अच्छा, अभी बताइए क्यों झगड़ा हुआ था, कुछ जानकारी? सुनिए, एक दूसरे को घायल भी किए हैं ना? बस देखे नहीं, बस सुनिए, घायल किए ना एक दूसरे को? अब क्या पता, देखे नहीं है, नहीं देखे हैं। जानकारी तो होगा ना कुछ आप लोगों को? जानकारी कुछ नहीं है, जब आए जब पता चला कि लड़ाई हुई है, बस लड़ाई हो गया है। उन लोगों का एज लगभग कितना होता होगा? लगभग 10 से 12 साल ना? एज देखा ही नहीं लड़कों का, एज क्या पता है। यहाँ पर और भी हैं दुकानदार लोग, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? अच्छा, क्यों यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ था कल, क्या स्कूल में? हम बंद करके सासाराम थे। सासाराम थे, अच्छा कुछ जानकारी होगा ना लड़ाई के बारे में? अभी तो जानकारी नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी हुआ है कि मतलब कि कल झंझट हुआ था, झंझट हुआ था, चाकू से लड़ाई किए थे स्टूडेंट लोग, अभी तो नहीं बताएंगे। और कहीं ना कहीं तक जो भी छात्र हैं, सभी छात्र 6 या 7 क्लास के थे और आपस में जो लड़ गए हैं, और आप सबको बता दें कि 6 और 7 क्लास में जो छात्र रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करते करते इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे को चाकू से वार करने लगते हैं। तो आइए हम जानकारी लेंगे, स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे, और जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं स्कूल के अंदर, जो कि स्कूल का नाम है आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय पीरो बालक भोजपुर। हम सुनने में आया कि कल बच्चे लोग लड़ाई झगड़ा किए थे आपस में, उसी के बारे में कुछ बात करनी है। ऐसा चीज बात करना है कि मतलब समाज में पॉजिटिव विचारधारा उत्पन्न हो, उस टाइप से। मान के चलिए जो छात्र हैं, पहले कहते हैं 10 से 12 साल के जो छात्र रहते हैं और आपस में चाकू निकाल कर इधर उधर लड़ाई कर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा ये किया जाता है। नहीं, निकलना है हमको, पटना जाना है सर। कल हम रहेंगे नहीं, कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, बस दो शब्द बोल दीजिए। वो चीज़ है, मतलब बहुत सारा ये चीज़ है, पटना निकलना है। और जो कि हमारे साथ जो कि प्रिंसिपल सर हैं, आइए हम जानते हैं। कहीं ना कहीं तक जो छात्र हैं
10 से 12 साल उनकी एज होती होंगी और आपस में लड़ाई झगड़ा कर इस कदर पर पहुंच जाते हैं सर। तो कहाँ किए थे सर, क्या नाम है सर आपका, आपका नाम? मेरा नाम तो मोहम्मद कैस अंसारी है। अच्छा, प्रिंसिपल सर है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था कल घटना सर? कल घटना नहीं, वो तो कल कॉपी एग्जाम हो रहा था ना। हाँ। तो सभी शिक्षक अपने रूम से कॉपी लेकर के और यहाँ आए रखने के लिए, और उसी बीच में कोई उधर से आया, वहाँ छेदवाली है उधर साइड में। हाँ। उस छेदवाली से फान के आया, दीवाल फान कर, हाँ, दीवाल फान कर आया। हाँ। अब उस बच्चा को मार के वहीं से भाग गया। तब तक ऐसी हुआ तो हम लोग गए उस बच्चे को अपना लेके गए, दवा दारू ऐसी हुआ। तो मतलब कोई वो जो यहाँ पर पीटने के लिए आया था, मारने के लिए जो आया था, वो यहाँ का नहीं था? ना ना ना, यहाँ स्कूल में से नहीं था ना। छात्र थे पढ़ने वाले, उन्हीं को मारा? हाँ। क्या कुछ घटना मालूम हुआ, कौन था? ना, अभी तो पुलिस को हम लोग रिपोर्ट कर दिए, लिख करके दे दिए, वो लोग अपना छानबीन कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आपस में लड़ाई भी किए थे छात्र? के छात्र आपस में लड़ाई भी किए थे? ना, तो कॉल नहीं किए थे ना। हाँ। पहले बाहर में किए होंगे, हम लोग को पता चला। अच्छा। तो उन लोगों को हम लोगों से आके कहना चाहिए ना कि सर ऐसी सी बात है, तो कोई हम लोग से कुछ कहबे नहीं। सही बोले आप, बहुत सही बोल रहे हैं सर। हम लोग से कहेगा तब ना हम लोग एक्शन लेंगे बच्चों का। जी सर। अब बाहर में कौन लड़का क्या किया अपने में, तो हम लोग को तो पता है। अच्छा, नहीं सर, कैसे आखिर मान के चलिए, जितने भी कौन से क्लास के स्टूडेंट होंगे वो जो लड़ाई, मतलब कि वो छठा क्लास का है सर? लगभग छठा क्लास के जो स्टूडेंट हैं, लगभग उनका 10 से 12 साल एज होता होगा। हाँ। होता होगा ना। हाँ। और कहीं ना कहीं तक इस तरह की विचारधारा उत्पन्न हो जाना कि एक दूसरे को मार देना, चाकू निकाल कर मार देना, आखिर क्यों हो रहा है सर? क्यों हो रहा है, कहाँ कमी है? तो इसका तो इसके लिए अब हम लोग क्या कहें कि वो तो बाहर का ना लड़का आया था। तो हमारे बच्चे नहीं, छात्र जो है आपस में लड़ाई करके बुलाए हुए थे ना बाहर से। हाँ, कोई ना कोई लड़का तो जरूर बुलाए होते, इसलिए वो ऐसी ऐसा कांड हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं तक शिक्षक लोगों में चूक है या फिर गार्जियन लोगों में चूक है कि कहीं ना कहीं तक नैतिक शिक्षा देने में कुछ कमी रह गई है, क्या कीजिए कि छात्र जो है इस तरह के कदम उठा रहे हैं सर? ना, बच्चे आपस में देखिए, वो अभी अबोध बालक है और उन लोगों को इस सब का ज्ञान नहीं है, और उन लोग यही है कि उन लोग का क्या पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा उसको नहीं आती। वो तो अपना कह दिया कि फलना को है, ये फलना हम चीज कर देते हैं, फलना में मारने की भावना से, मतलब इस तरह से लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर दिए लोग। कहीं ना कहीं तक सर नैतिक शिक्षा की कमी रह गई है छात्रों में कि इस तरह के जो कदम उठा रहे हैं ना, क्या लग रहा है कि नहीं सर आपको? ये तो है, कुछ है ना कि नैतिक शिक्षा जो है कहीं ना कहीं तक स्कूलों में कुछ बढ़ावा होना चाहिए। गार्जियन का कुछ गार्जियन का भी अहम रोल होता है। हाँ, बच्चे को किस अच्छा, यहाँ हम लोग किसी बच्चे को पूरा डांट भी दे या किसी को मार भी दे तो तुरंत गार्जियन जुट जाता है कि आप हमारे बच्चे को क्यों मारे। जी सर, यही सब ऐसी हो रही है। तो क्या कहेंगे इस तरह के जो छात्र कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, वैसे तो उन लोगों को गार्जियन से ऐसी किया जाए कि हाँ आपके बच्चे ऐसे हैं, इनको माने आप समझाइए बुझाइए। गार्जियन को बुलाए थे सर आप? हैं, गार्जियन को बुलाए थे आप? वहाँ के गार्जियन, इस बच्चे का गार्जियन आए थे लोग, और उसका तो पते नहीं हम लोग का है कि मैंने कौन बच्चा है। हम लोग इतना बच्चे से पूछते रह गए कि आखिर कौन बच्चा बुलाया, तो कोई नहीं बताया। जब कोई नहीं बताया तो हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। तो इस पर कार्रवाई कुछ हुआ है कि नहीं सर? है, कार्रवाई हुआ है ना, प्रशासनिक कार्रवाई? हाँ हाँ, प्रशासनिक हुआ है। और इस तरह से जो कि हम मौजूद थे जो कि बालक मध्य विद्यालय पीरो भोजपुर में, और कहीं ना कहीं तक बच्चों में संस्कार और नैतिक शिक्षा की कमी रह गई है, तो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आप सबको बता दें कि कल के जो घटना है निंदनीय है, और छात्र आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं इस स्कूल में, और चाकू से पिटवा कर चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं तक घायल भी हुए थे छात्र सर। बच्चा घायल हो गया था और घायल भी हुए थे, और ये निंदनीय घटना है। कहीं ना कहीं तक छात्र से हम एक नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोचिए कि आप कौन सा कदम उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं तक आपके जो छवि एक आप शुरुआती दौर से ही आप इस तरह के कारनामे करने लगेंगे, आने वाले समय में किस तरह से कदम और उठाएंगे ये काफ़ी सही ना सर? हाँ हाँ, आने वाले समय में तो और भी गलत कदम उठाएगा वो बच्चा जो कर रहा है इस तरह का। तो उस गार्जियन को भी चाहिए कि हमारे बच्चे जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। ना कहीं ना कहीं तक समाज में इस तरह की भावना जो है उत्पन्न हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए संस्कार और जो भी नैतिक शिक्षा स्कूलों में और सभी कॉलेजों में होना चाहिए, ताकि जो है छात्र इस तरह के कदम न उठाए। आप लोग देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी छात्रों के पास पहुँचे, ताकि जो है इस तरह के कदम कोई भी छात्र न उठाए। आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।